नरसिंहपुर जिले के श्री धाम गोटे गांव में सहयोग क्रीड़ा मंडल के तत्वाधान में नेशनल कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किया। इस अवसर पर स्वतंत्रता आंदोलन के जननायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का भी अनावरण किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खेल की स्प्रिट की तरह यदि राजनीति में भी यही भावना आ जाए तो देश विकास के पथ पर दौड़ने लगेगा। उन्होंने कहा, जल्द ही मध्य प्रदेश में एक खेल अकादमी का गठन किया जाएगा जिसमें स्थानीय खेलों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही उन्होंने गोतेगांव में खेल मैदान का नाम सुभाष चंद्र बोस खेल मैदान रखने की घोषणा करते हुए खेल मैदान को सभी सुविधाओं से युक्त बनाने की घोषणा भी की। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी, नरसिंहपुर विधायक जालम सिंह पटेल मौजूद रहे। आयोजन के लिए शुभकामनाएं देता हूं। अब जैसी स्पोर्ट्समैन स्प्रिट खेल में होती है वैसी राजनीति में हो जाए तो देश का कल्याण होगा। इस भावना का मैं स्वागत करता हूं और एक ही बात कहता हूं कि प्रहलाद जी हो, मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। चाहे शिवराज हो, हम सब आपकी सेवा के लिए समर्पित हैं और मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास का महायज्ञ फिर से प्रारंभ हुआ है। आज जब हम आए तो एक प्रमुख सड़क। नरसिंहपुर से संजीव पटेल की रिपोर्ट।